बाबा बैठे, माँ ने देखा और मैया पहुंची। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पै माँ तो भवानी, गई जानी प्रिया आदरुवती की ना, जानी प्रिया आदरुवती की ना, बाम भाग यासन हर दीना, बाम भाग बाम बाम माँ ने देखा शांत बैठे हैं, कहीं समाधि में न चले जाएं। क्यों? देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना सहज स्वभाव है। कई लोग शांत रहते हैं तो दवा ढूंढ लेते हैं, कई लोग उपकार करने लगते हैं, कई लोग शांत बैठेंगे तो उनकी अंगुष्ठ और अनामिका एक साथ हो जावे, राम 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 राम, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, राम राम कहिए, चुपचाप रहिए, अस्वभाव है। कई लोग अकेले रहेंगे तब भी दूसरे की बुराई ही देखते हैं करते हैं, उनका सहज स्वभाव है। बाबा का सहज स्वभाव है शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा, शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे हजार साल। पिछली बार 87,000 वर्ष शिव बाबा समाधिस्थ रहे, तब राम नाम निकला, फिर कथा प्रारंभ हुई। ऐसी समाधि माने देखा जी, सहजावस्था में प्रवेश करेंगे तो पैर समाधिस्थ हो जाएंगे। चलो कुछ पूछती हूं, उत्तम समय जानकर भगवान की पवित्र कथा श्रवण करने हेतु भगवान शिव से माने प्रश्न किया। क्या प्रश्न है? वही जो भरद्वाज जी का प्रश्न है। भरद्वाज जी महाराज का सहज प्रश्न है कि राम जी कौन है, परंतु माँ का पहला प्रश्न है अत्यारते पोछौं सुरराया रघुपति कथा कहु करी दाया, अतिया प्रथम सुकारन कहु बिचारे निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित पुण्य कहो तारा, कहु जथा जानकी विवाहे राज तजा सो दूषण कही, कहु जथा जानकी
बस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जिमिरावन मारा। बस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जिमिरावन मारा। राज बैठी कीन्हे सकल कहु शंकर सुख सीला। राज बैठी कीन्हे बहु लीला सकल कहु शंकर सुख सीला। बहुर कहु करुणा यतन कीन्हे जो अचरज प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज। इस प्रकार भगवान शिव से माने विद्वानों के मतानुसार 9 प्रश्न किया 14 प्रश्न किया 16 प्रश्न किया अथवा तो जितना महापुरुष कहें उतना प्रश्न किया। सभी प्रसंगों को माने पूछ दिया, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भय, तत्व विज्ञान समझाइए, जन्म का कारण लीला महोत्सव बाल लीला शिशु बाल लीला, धनुष भंग व्याह कैसे हुआ, भगवान ने रावण को कैसे मारा, कहु नाथ जिमि और वन में रहकर क्या क्या लीला किए, राज पद पर बैठे तत्पश्चात क्या उत्सव भया आदि आदि, भक्ति का भेद ज्ञान वैराग्य इनकी दृढ़ता कैसे होवे, विराग की विमलता, जो भी इसके अलावा रहस्य हो राम तत्व का मुझे समझा कर सुनाइए, जो पूछा वो तो बताइए, जो छूट गया वो भी बताइएगा, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखहु जनि गोई, उसको छिपा के न रखिएगा, कहिए। माँ के मधुर प्रश्न, दिव्य प्रश्न, सहज प्रश्न सुनकर भगवान शिव के हृदय में समस्त रामचरित अवतरित हो गए। हर ही राम चरित सब प्रेम पुलक लोचन जल श्री रघुनाथ रूप उर आ परमानंद अमित सुख पा। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का जो जो दिव्य अद्भुत चरित्र है भगवान शिव के हृदय में अवतरित हो गए और 48 मिनट तक शिव जी मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहे रघुपति चरित महेश तव हर्षित रघुपति चरित महेश तव हर्षित। बाबा कहते हैं देवी
झूठे वो सत्य जिनको जाने बिना झूठ ही सत्य जान पड़ता है। कैसे? जैसे रस्सी को देखकर सर्प का भान हो जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसको जान लेने पर, किसको? राम तत्व को, यह झूठा जगत समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे जागने पर जीव का देखता हुआ स्वप्न समाप्त हो जाता है, ऐसे मेरे प्रभु जिनका दर्शन हो, बोध हो, तो ये जगत इस प्रकार भासता नहीं है झूठा जैसा रस्सी में सर्प का भास होता है। उन भगवान का मैं स्मरण करता हूँ।